सूबे में बदमाशों का दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है कि अब बदमाशों को पुलिस का जरा भी डर नहीं और दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सुल्तानपुर से सामने आया, जहां जन सुविधा केंद्र लूटने आए नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक के विरोध करने पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और बदमाश असलहा लहराते हुए फरार हो गए। दरअसल मामला दोस्तपुर थाना इलाके के पलिया देवापुर का है, जहां एक युवक जन सुविधा में पैसा जमा करने गया था। वहीं घात लगाए दो नकाबपोश बदमाश लूटने की नियत से गए और युवक के विरोध करने पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे युवक लहूलुहान हो गया, जिसके बाद बदमाश असलहा लहराते हुए फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस घायल को CHC लेकर गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही बौखलाए परिजनों ने शव को रोड पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। घटना कुछ नहीं, फ्रेंचाइजी थी को आए गोली मार के चले गए जी। फ्रेंचाइजी में क्या मिलता है? पैसा मिलता है जी। और क्या मिलता है? अपने मतलब लेन देन करते थे है? पैसा लेने के लिए आए थे। हाँ, क्या नाम था इनका? इनका शुभम पांडे। शुभम पांडे कहाँ के रहने वाले हैं? पलिया देवापुर। पलिया देवापुर। इनके पिता का क्या नाम है? शेषमल पांडे। आज अपराह्न थाना दोस्तपुर के ग्राम पलिया देवपुर में शुभम पांडे पुत्र शेषमणि पांडे, जो पलिया देव में शैलेंद्र विश्वकर्मा के जन सुविधा केंद्र पर अपना पैसा जमा करने आए थे, के बारे में आरोप है कि दो अज्ञात बदमाशों ने आकर और उन्हें गोली मार दी। इस संबंध में पूरी घटना की पड़ताल के लिए टीम लगाई गई है, साथ ही उनके परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।